किसान नेता गुरदास सिंह की अगुवाई में किसानों ने उपमंडल कार्यालय के प्रांगण में हरियाणा सरकार के खिलाफ ही नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि उनकी सरसों की फसल खरीदी नहीं जा रही है, गेहूं के लिए बारदाना नहीं मिल रहा है। कई कई दिनों से किसान मंडियों में बैठे हैं। हरियाणा सरकार जानबूझकर किसानों को तंग करने का काम कर रही है। सरसों है तो सरकार ने 30 तरीक नूं 3 बजे 30-4 नूं 3 बजे बंद करती सी। उस तो बाद क्या सीगा भी थोड़ी सरसों है जिहड़ी ये असी खरीदांगे 8 तरीक नूं। अज 8 तरीक है, जदों असी 8 तरीक नूं आए तां सरकार कहिंदी है कि नहीं 10 तरीक नूं खरीदांगे। तां उस लई असी ज्ञापन दित्ता SDM साहब नूं और नारेबाजी कीती है। दूसरी गल ये है कि ना बारदाना दे रहे है, सर कणक भी नहीं खरीद रहे, साढ़ी 17 का बीमा क्लेम भी नहीं दिता गया। उस दे लई अज ज्ञापन दिता है और कल नूं अनाज मंडी दे विच कालांवाली असी धरना देना 11 बजे जे साडी सरसों ना खरीदी और कणक ना खरीदी। इस करके असी कल नूं 11 बजे धरना देवांगे भी जब ये गाँव में आएंगे इनका बूथ ही नहीं लगने देंगे। जब किसानों के साथ ऐसे कर रही है सरकार जिहड़ी है, ये किसानों नाल धक्का कर रही है, हर पक्ष ते धक्का कर रही है किसानों नाल, तां किसान इन्हां दा बूथ नहीं लगन देणगे। क्यों जदों किसानों नाल ये धक्का है, इस करके किसानों ने इन्हां नूं पिंडां च नहीं वड़न देना, इन्हां दा बाइकाट कीता हैगा। हर पिंड दे विच्चों असीं यूनियन साडी इन्हां दा बाइकाट करदी है और बूथ नहीं लगन देवांगे किसी भी पिंड च।